बॉस का सुपर हीरो और मेरे साथ में हिंदू महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन, मैं ये घोषणा करता हूँ कि अभी परसों 20 तारीख को मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसीलिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ ताकि उसकी जमानत जब्त करा करके मैं इस देश को इन आतंकवादियों से मुक्त करा सकूँ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो तो आतंकवादी है ही। आप ये देखिए, ये जो निर्भया कांड हुआ, इस कांड को भी कराने में अरविंद केजरीवाल का हाथ रहा और ये बात प्रमाण के साथ मेरे पास में मौजूद है। क्योंकि जब ये इसको मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार किया गया था तो वहां पर पुलिस कस्टडी में जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमको ये अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जहां कहीं भी तुमको मौका मिले, हिंदू लड़की को अकेले में मिल जाए तो तुम बलात्कार करो ताकि दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा सके। और उसके इनाम में आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस से मिलकर के, सोनिया गांधी से मिलकर के उसको दोषमुक्त कराया, उसको सिलाई की मशीन दी, उसको चाय का दुकान खुलवाया, उसको 1,00,000 रुपया इनाम दिया इसी बात के लिए। और असली जो तो गुनाहगार था वो मोहम्मद अफरोज ही था जिसने निर्भया के दुकान में सरिया घुसेर करके उसको मरने के लिए मजबूर किया था। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि और ये जो बाकी विनय वगैरह जो है ये निर्दोष हैं। मैंने सरकार से अपील की है कि इनको माफ कर दो कि ये गुनाहगार नहीं है। राम सिंह गुनाहगार था और उसको हमने जेल में मार दिया, ये गुनाहगार है मोहम्मद अफरोज, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिल जाएगा उसको उसके टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा। बाकी ये जो बचे हुए हैं ये बेगुनाह लोग हैं, पवन अक्षय मुकेश, इनको माफ करे सरकार। मैं राष्ट्रपति से भी अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ और निर्भया की जो माँ है वो मेरी धर्मपुत्री है आशा, उसको भी मैं समझा रहा हूँ कि बेटी तुम्हारी बेटी अब उससे वापस आने वाली नहीं है। ये नादान बच्चे हैं जो उन राक्षसों दरिंदों के साथ में थे जिसकी वजह से ये भी फंस गए, इनको माफ कर दो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि राष्ट्रपति उसके माफीनामा को स्वीकार करेंगे और उसको बचाएंगे। इसके बारे में विस्तृत रूप से मुकेश जैन जो दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये आपको बता रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये सब आपको मालूम है, ये देशद्रोही है, CIA का एजेंट है और भारत को अमेरिका का गुलाम बनाने के लिए फिर से इसने यहाँ पर आया हुआ है। जितने भी निर्भया दिल्ली में हर दिन 8 से लेकर 10 बलात्कार होते हैं, 2,400 बलात्कार सालाना होते हैं। निर्भया कांड के पहले 600 बलात्कार होते थे। इसका मकसद बलात्कार को कम करना नहीं है, अरविंद केजरीवाल का एक ही मकसद है, बलात्कार को बढ़ाना, बलात्कार को हवा देना, और इसके लिए ये सब कोशिश इसकी लगातार जारी है। मेरा यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले निर्भया, आपसे यदि कोई पूछे कि दिल्ली में किस किस के साथ कितने बलात्कार हुए तो आपको दो ही बलात्कार याद रहेगा, गुड़िया और निर्भया। आप किसी ना लड़की को जानते हैं ना लड़के का नाम बता सकते हैं। तो मेरा ये सब जितने भी बलात्कार के मामले में ये हवा देता है ये सिर्फ जीतने के लिए, इसका कोई मकसद नहीं है। आज निर्भया के साथ जो बलात्कार हुआ, आप ये देखिए कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें यदि सड़कों पर इस तरह से घूमती हैं रात के 12 बजे फिल्म देखने जाती हैं बॉयफ्रेंड के साथ, तो ये गलत है मतलब, और ये उकसाने वाली हरकतें हैं। तो मेरा यही कहना है जो स्वामी ने कहा कि निर्भया की माँ को बस जो प्रतिशोध की अग्नि में वो जल रही है, प्रतिशोध की अग्नि में जलने से कोई फायदा नहीं है, वो इन बच्चों को माफ करें। 7 साल जेल में हो गए, इनका घर परिवार भी, इनकी पत्नियां भी लग रही हैं, इनके माँ बाप भी लग रहे हैं, इसको सबको ध्यान में रखिए और इस सबको देखते हुए इनको बच्चों को माफ कर दिया जाए तो बेहतर है। और उसको उनको माफ करने पर जो आत्मशांति निर्भया की माँ को मिलेगी वो अपने आप में एक काबिले तारीफ होगी, वो शांति का वो अनुभव कभी नहीं किया होगा जो शांति उसको मिलेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अरविंद केजरीवाल तो देशद्रोही है, इस देशद्रोही के खिलाफ पूरी दिल्ली जनता खड़ी हो, ये CIA का एजेंट है, भारत नक्सलवादी है और जितने जो ये कन्हैया गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका साथी है। आज तक इतने कन्हैया गैंग को सिफारिश स्वीकृति नहीं दी है कि इसको कोर्ट केस मुकदमा दिलाया जाए। बस मेरा यही कहना है इस देशद्रोही के खिलाफ आप पूरी देश दिल्ली जनता खड़ी है।